हमारे मानगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि थे कांग्रेस से संबंधित या सरपंच साहबान, सारे के सारे हम भीलवाड़ा गए। भीलवाड़ा जाने के बाद में रामलाल जी साहब से हमने समय मांगा, उन्होंने समय दिया। समय देने के बाद में हमने सारी जानकारी दी। सारी जानकारी देने के बाद में उनको ये महसूस हुआ कि ये जो काम हुआ ये गलत हो। वो मंत्री उन्होंने शपथ ले रखी, सारी बात आम आदमी को नहीं बताते, वो शपथ लेते हैं ईश्वर की। तो उन्होंने बताया कि ये मैं मानता हूं कि ये जो भी निर्णय हुआ निर्णय गलत, इसलिए निर्णय को सुधारने के लिए प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है आपके दबाव की, जनता की दबाव की। इसलिए उन्होंने भी यही कहा, मैं भी यही कह रहा हूं, उस दिन भी मैं यही कह रहा हूं कि आपका जन आंदोलन बहुत शांत प्रिय होना चाहिए, बिना किसी मारधाड़ के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये दबाव आपका काम कर जाएगा सरकार, इसलिए इसको हमको कंटिन्यू रखना। कल मैंने डीएससी से भी बात करी, उनका कथन भी है कि मैं कल आऊंगा, मैं आपसे बात करूं। मैंने उनसे भी कहा कि मैं आपसे बात करना चाहते हैं हम लोग, हम पूरे जनप्रतिनिधि जितने भी मानगढ़ के, हमने सुना कि आपका शायद इसमें रुचि है 16 पंचायतों में उधर ले जाना, हमको समझाइए 16 पंचायतें आप उधर क्यों ले जाना चाह रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण। वो भी शायद कल आएंगे, कल हम वापस उनसे मिलेंगे, और उनसे मिलने के बाद में रामलाल जी से भी कल निवेदन किया, धीरे से भी निवेदन करेंगे। आप बड़े नेता है, मंत्री हैं, हम छोटे हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे चलेंगे। आप मुख्यमंत्री जी का टाइम हमको दिलाइए, हमको मुख्यमंत्री जी से मिलाइए, हमारी पीड़ा को उनको बताइए, और हमारी बात को अगर वाजिब है तो उससे कहे कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल न्याय संगत बात कर रहे हैं, इनकी बात सुन करके निर्णय हम लोग इसी अनुसार करना चाहिए। ये हमने रिक्वेस्ट किया रामलाल, और रामलाल जी ने इस बात को माना, क्योंकि इस तरीके से कई चीज होती तो मुख्यमंत्री का टाइम मिलने में कई तरह की शंकाएं होती। यहाँ से प्रशासनिक रिपोर्ट क्या जा रही है, ये पॉजिटिव दे रहे हैं कि नेगेटिव दे रहे हैं, फिर बाद में मान लो कोई चीज जो नीचे का उसका अधिकारी क्या कह रहा है, सारी चीज के मद्देनजर वो आदमी उसके साथ निर्णय करता है। राजनेता राजस्थान बहुत बड़ा हो, उनको मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब को पता थोड़ी कि जनधि ही घटा है, मालको फिर वन थोड़ी मान लो, वन थोड़ी मान लो, उसने गहलोत उसने आपा कर गहलोत वन थोड़ी मान लो, गहलोत साहब को थोड़ी पता कि रात रोज 4,000-5,000 आदमी खैरार से विजिलेंस धंधा करने जाते हैं, उनको ये थोड़ी मालूम है कि यहाँ से 8 किलोमीटर पे विजिलेंस और वहां पर कितना किलोमीटर कहाँ क्या थे। हम जो कहते हैं उनके नीचे वाले वो साहब जो अधिकारी कर्मचारी उनको मांडते हैं फटाफट मांडे मान दे तो कहते हैं फटाफट प्रपोजल बना प्रस्ताव बना भेज दिया वो जावेद जुगा जी दस्तखत हो जाए। इतने सारी स्थिति हमने कल स्पष्ट की, रामलाल जी का दिमाग बहुत क्लियर है, साफ है, वो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। अब उनके कानूनी तौर से सरकार की क्या दिक्कतें हैं ये वो ज्यादा समझते हैं, हमने समझ दोनों को साथ लेने का प्रयास करेंगे, दोनों को आगे रखेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे और पूरा पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक हमारी कोई चीज का प्रेशर पड़ के हमको कोई कोई मूल रूप से बहुत सॉलिड आंसर नहीं मिल जाए तब तक आपकी संख्या ये आपका आंदोलन बरकरार रहना चाहिए शांत प्रिय तरीके। मंत्रालय राजनेताओं से निवेदन करूंगा भाषण में कोई ऐसी शब्दावली नहीं काम में ले जिसका कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाए, ओपिनियन डिफरेंस आ जाए, कहीं ना कहीं टकराव हो जाए एक दूसरे का, ऐसी भाषा काम में नहीं ले मेहरबानी करके। और अगर ऐसी भाषा काम में ली तो आज की तारीख में सोशल मीडिया चलता, छोरे पढ़े लिखे सारी चीज है, ये जनता है सब जानती, ये कानून है सिनेमा में, ये जनता है सब जानती, क्यों कानून पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है सब झूठ बड़ा। दोनों चीज का हम अगर व्यवस्थित चलेंगे अनुशासित चलेंगे और हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो हमारी पंचायतें चलेगी वापस भिलौरा में रह जाए, मांडवी विधान में रह जाए, और हम इतनी संख्या में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मैं बंडलबाजी नहीं करता, गारंटी नहीं लेता, मैंने वर्षों का राजनीति करता, मुझे जान लो जी मारी गारंटी मुँह यूं कर दूंगा और वो भाई बस। अत्रो कर दूंगा, मैं हवाई जहाज जाऊंगा और मतलब एरोड्रम बना दो, एरोड्रम फ्रेंड बना दे तो पते को झाकुटी देखो, एरोड्रम शांत बना दे तो पते को लेकर लोग घूम पाएगा। यही सब कहते हुए आप लोग सब पधारे, इतनी शांति से मेरे को सुना, धैर्य से बच्चे सारे बुजुर्ग सब खड़े होकर के सुन रहे थे, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। जहां तक सवाल मेरा, मैं राजनीति में नहीं, ने मुझे राजनीति करनी, मेरी 76 साल की उम्र होगी, राजनीति बहुत करता हूँ और राजनीति करी बिल्कुल रुतबे से करी, चुनाव हारने के बाद में भी घुटने नहीं टेके,
गुर्दे नहीं देंगे प्रशासन के सामने, कहीं पे गिर रहा नहीं हूँ, बिल्कुल सारी चीज करी। जनित का जहां मसला आधी रात को जनित के लिए बिल्कुल डांट ठोक के बात करी प्रशासन, और हुआ और आगे भी ये करता हूँ। लेकिन मैं इस वोट की राजनीति में नहीं, न मुझे चुनाव लड़ना न मुझे, और मुझे चुनाव लड़वो चाहूँ तो 70 साल की उम्र है, तुम तो मुख्यमंत्री ने हार ले रहे, मैंने टिकट दे दो ही नहीं, जोड़ा बाल देकर कहीं उसे जा दू उन्हें नेता ने कहीं जगह ज्यादा भी लिया गया था बाल शांत बोला ढाई करार चाहूँ जो तो कर चुके डाई करानी हो 15 वर्ष का पीसा एडवांस मांग रहा था डाई के तू करा दू।